तैयार हो जाइए इतिहास के ऐसे अनोखे पन्ने के लिए जिसे जानने के बाद शायद आप भी सोचने लगेंगे कि लड़कियां खतरनाक भी हो सकती है। चलिए चलते हैं दूसरे विश्व युद्ध के समय में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, हिटलर दुनिया पर छा जाना चाहता है। ऐसे में रूस की वायुसेना के पास एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। रात के अंधेरे में बमबारी करनी होती थी, कई लड़ाइयां हारी जा रही थी। ऐसे में एक महिला जिसका नाम था मरीना रस्कोवा सामने आई। उन्होंने सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन को ये समझाने में कामयाबी पाई कि लड़कियों को भी युद्ध लड़ने दिया जाए। ये बात तो सबको पता है कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, पर उस जमाने में लोग ऐसा ही सोचते थे। पर मरीना ने लड़कियों की एक पूरी रेजिमेंट बना दी। रेजिमेंट मतलब सेना की टुकड़ी। इसे नाम मिला 588 दिन नाइट बॉमर रेजिमेंट, मगर दुनिया इन्हें एक और ही नाम से जानती है, नाइट विचेस। आपको क्या लगता है क्या होता होगा नाइट विचेस का मतलब? चलिए मैं बताती हूँ। ये लड़कियाँ थी तो रूस की वायु सेना की पायलट, पर ये रात के खूब अंधेरे में पुराने लकड़ी के जहाजों में दुश्मन पर बम गिराने निकलती थी। इन जहाजों की आवाज ऐसी होती थी जैसे कोई झाड़ू से हवा में उड़ रहा हो, इसीलिए जर्मन सैनिक डरकर इन्हें नाइट विचेस यानी रात की चुड़ैलें कहने लगे। नाइट विचेस की खास बात क्या थी? ये लड़कियां न सिर्फ जहाज उड़ाती थी, बम गिराती थी, वो भी अकेले या सिर्फ दो के ग्रुप में, बल्कि ये इतनी बहादुर थी कि पैराशूट तक नहीं पहनती थी, क्योंकि पैराशूट के वजन की जगह वो ज्यादा बम भर लेती थी। मतलब अपनी जान से ज्यादा उन्हें देश की जीत प्यारी थी। इनकी वजह से जर्मन सेना की नाक में दम हो गया। हिटलर की सेना को इतना डरा दिया कि जिस भी रात नाइट विचेस उड़ती वहां से जर्मन सैनिक भागने लगते। इन लड़कियों ने 30,000 से भी ज्यादा मिशन किए, ढेरों बम गिराए और हिटलर को युद्ध में हारने पर मजबूर कर दिया। 30 नाइट विचेस को सोवियत संघ के सर्वोच्च पुरस्कार से भी नवाजा गया और इनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और हमें ऐसे ही दिलचस्प इतिहास के किस्सों के बारे में बताना।